Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. इस चेहरे को देखिए, क्या इस शख्स को देखकर कोई कह सकता है कि इसने किसी की हत्या को अंजाम दिया होगा? जी हाँ, उदयपुर जिले की फलासिया थाना पुलिस ने उमरिया के जंगल में एक महिला के ब्लाइंड मर्डर के आरोप में इस व्यक्ति और इसकी पत्नी को गिरफ्तार किया है। 29 दिन पहले एमपी के रीवा की रहने वाली 30 वर्षीय सीता मादला के जंगल में मृत पाई गई। पुलिस ने राजस्थान के सेवारी का निवासी देवीलाल और उसकी पत्नी भावना को गिरफ्तार किया है। दरअसल 3 बच्चों का पिता देवीलाल और 2 बच्चों की माँ सीता का प्रेम प्रसंग था। पत्नी भावना ने देवीलाल को धमकाया था कि वह उसे चुने या सीता को। आरोपी ने चाकू मारकर सीता की बेरहमी से हत्या कर दी। हत्या की एक वजह ये भी मानी जा रही है कि 1 साल पहले देवीलाल ने सीता के 4 साल के बेटे दादू को गुस्से में फर्श पर पटक दिया था। सिर में गंभीर चोट लगने से मासूम की मौत हो गई थी। सीता ने इसे हादसा बताते हुए देवीलाल को पुलिस से बचाया था, लेकिन भावना की धमकी के कारण जब सीता को लगा कि देवीलाल उसे छोड़ सकता है तो वो देवीलाल को बेटे की हत्या में गिरफ्तारी की धमकी देकर पीछा नहीं छोड़ रही थी। पुलिस पूछताछ में देवीलाल ने बताया कि सीता 9 साल की बेटी और 4 साल के बेटे की माँ थी। उसका पति इंद्रभान अहमदाबाद में मजदूरी करता था और 2 साल पहले किसी महिला से शादी कर बेटी के साथ कहीं चला गया। आरोपी देवीलाल भी अहमदाबाद की ऑयल कंपनी में मजदूर ठेकेदार था। वहीं उसकी मुलाकात सीता से हुई। दोनों के बीच मेलजोल बढ़ा और फिर साथ रहने लगे थे। देवीलाल को सीता का बेटा पसंद नहीं था तो उसने फर्श पर पटक कर उसे मार दिया। बच्चे की मौत को हादसा का नाम देकर सीता ने तब पुलिस को गुमराह किया था। फिर वो आरोपी देवीलाल के गाँव धनकावाड़ा आकर रहने लगी। जब देवीलाल की पत्नी भावना को इसका पता चला तो वो आग बबूला हो गई। इस पर देवीलाल ने सीता से दूरी बना ली थी, लेकिन फिर सीता अपने बच्चे की हत्या के आरोप में देवीलाल को फंसाने के लिए धमकाने लगी। इधर देवीलाल और उसकी पत्नी भावना के बीच झगड़ा बढ़ गया। पत्नी ने देवीलाल को कहा कि वह या तो उसे मार दे या फिर सीता को, तभी वह साथ रहेगी। फिर क्या, देवीलाल ने सीता को अपने ससुराल मादला बुलाकर मारने की योजना बनाई।